जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू विजय पथ एजुकेशन पालमपुर। आज मैं आपके सामने अग्निवीर जीडी का एक फुल मॉक टेस्ट आपके सामने मैं लेके आया हूँ, जिसमें आज हम पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट पेपर जो है वो हम सॉल्व करेंगे। और तैयारी है आपकी पालमपुर एआरओ की, जो कि आपका एग्ज़ाम होने वाला है 13 नवंबर को। टारगेट इस पेपर में आपका 40+ क्वेश्चन आपके बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। साथ साथ में आप आंसर यहाँ पर करते रहें, अपने आप को आप खुद चेक करें कि आपके इस मॉक में टोटल कितने नंबर आपके रहते हैं। अगर मैं इसके कंटेंट की बात करूं, क्या इस पेपर में रहेगा, तो 15 क्वेश्चन आपके इसमें जीके के रहेंगे, 15 क्वेश्चन आपके इसमें जनरल साइंस के रहेंगे जो कि आपके 10th बेस्ड रहते हैं, मैथ आपका 15 क्वेश्चन रहेंगे, मैथ आपका बेसिक से थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा टफ आपका एग्जाम नहीं रहता है, बट मेरिट को आपको ध्यान में रखना है। आपके जो मार्क्स हैं वो 40 से ज़्यादा आपके यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट होने चाहिए। 50 क्वेश्चन आपके इसमें टोटल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग का लास्ट आपका पोर्शन है जिसमें 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहेंगे। टोटल 50 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का रहता है और 100 मार्क्स का आपका एग्जाम यहाँ पे रहता है। तो आपको टारगेट रखना है कि 40 से ज्यादा आपके क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट रहें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सो सबसे पहला आपके सामने ये क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, यूक्रेन की राजधानी क्या है। सो करंट अफेयर से रिलेटेड आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला है, कीव, बारसा, बर्न या फिर लिस्बन। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दिया गया है, यूक्रेन की राजधानी क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है आपके पास ऑप्शन ए, कीव। सो कीव जो है वो यूक्रेन की राजधानी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास यहाँ पे, जर्मनी के हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, स्वास्थिक, लेबर, नाजी या फिर इनमें से कोई नहीं। सो जल्दी से आप यहाँ पे अपना आंसर जो है वो आप यहाँ पे बताएं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जर्मनी के हिटलर ने किस पार्टी की स्थापना की थी। तो इसने जो है वो नाजी करके एक पार्टी थी, उसकी स्थापना इसके द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास यहाँ पे रहेगा, जापान की मुद्रा का नाम क्या है। तो जापान की मुद्रा क्या है, युआन, येन, वोन या फिर क्यात। तो इसका जो राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर रहेगा वो है आपके पास, जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है येन। ऑप्शन बी जो है वो आपके सामने यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर रहेगा। अगला 4th क्वेश्चन है आपके सामने, टाइगर वुड्स का संबंध किस खेल से है। तो टाइगर वुड्स जो है किस खेल से जुड़ा है, गोल्फ, निशानेबाजी, घुड़सवारी या फिर मुक्केबाजी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। सो टाइगर वुड्स जो है वो आपका गोल्फ से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5th की बात करते हैं, भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है। टोटल जो है वो दूरी आपसे यहाँ पे पूछी गई है कि उत्तर से लेके दक्षिण तक, नॉर्थ से लेके साउथ तक टोटल दूरी कितनी है भारत की। सो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने रहेगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 3214 किलोमीटर, 3214 ऑप्शन डी जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, सबसे पहले पोखरण में किस सन में परमाणु परीक्षण किया गया था। तो सबसे पहले पोखरण में जो है वो भारत के द्वारा एक एटम बॉम्ब का परीक्षण जो है वो किया गया था, और ये किस साल में किया गया था ये आपसे यहाँ पे पूछा है। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल इसका राइट आंसर है, 1974 में जो है वो सबसे पहले भारत के द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th की बात करते हैं, ये करंट अफेयर का यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7th जो है ये भी आपका करंट अफेयर से ही रिलेटेड यहाँ पर डाला गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चली है,
आज फर्स्ट मॉक आपके सामने यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, भारत द्वारा अपने देश में विकसित हल्के युद्ध विमान का नाम क्या है? भारत ने खुद जो है वो उस विमान को बनाया है, तो क्या उसका नाम है यहाँ पे? तो उसका नाम है यहाँ पे तेजस। ऑप्शन डी जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। भारत ने खुद जो है वो इस युद्ध विमान का जो है वो निर्माण किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसेज शब्द जो है ये किस खेल से जुड़ा है? तो एसेज शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है? टेनिस, फुटबॉल, हॉकी या फिर क्रिकेट? तो एसेज आज सभी को पता होगा, एसेज जो है वो क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने सदस्यों को वो अपॉइंट कर सकता है राष्ट्रपति? आप सभी को पता है हमारे भारत के जो वर्तमान के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। जल्दी से आप कमेंट करके जरूर बताएं, खुद नेट से आपको चेक नहीं करना है, आपको कितना आता है हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है, भारत के वर्तमान के उपराष्ट्रपति कौन है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। इंटरनेट से आप चेक करके कमेंट ना करें, खुद अपने आप को चेक करें कि आपको वो आंसर आता है या नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन नंबर सी, 12। सो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अगर मैं हिमाचल की बात करूं तो हिमाचल में लोकसभा के टोटल 4 सीटें हैं, और राज्यसभा की बात करूं तो टोटल 3 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर आपके सामने है ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसके साथ साथ जो है पिछले कल की अगर आपने यहाँ पे वीडियो अगर देखी है तो मैंने उसमें एक क्वेश्चन वहां पे डिस्कस किया था कि जो जनगणमन है वो भी सरोजनी नायडू के द्वारा जो है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है, और सरोजनी नायडू जो है उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया या फिर भारत की कोकिला के नाम से जो है वो जाना जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर सिंगापुर? जल्दी से आप यहाँ पे आंसर सोचें क्योंकि आपका आंसर यहाँ पे रहेगा। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय जो है वो है लंदन में। ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्वतंत्रता संग्राम के किस सेनानी को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, जिसको शेरे पंजाब की उपाधि जो है वो दी गई है? आप सभी को पता होना चाहिए शेरे पंजाब के नाम से जो है वो हम लाला लाजपत राय जी को जानते हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, किस मुस्लिम शासक ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था, हमला किया था? बाबर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गोरी या फिर बहलोल लोधी? तो जल्दी से आप इसका आंसर यहां पे बताएं। इसका जो राइट आंसर यहां पे रहेगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन कासिम जो था पहला मुस्लिम शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर करना है, तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल ध्यान में रखें। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, वाटरलू कहाँ पर स्थित है? वाटरलू जो है वो कहाँ पर स्थित है ये आपको यहाँ पे बताना है। वाटरलू कहाँ पर स्थित है? वाटरलू यूनाइटेड किंगडम में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस में? तो वाटरलू जो है ये है आपका बेल्जियम में। ऑप्शन बी जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जीके के पोर्शन से लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो पिछले कल भी शायद ये बात यहाँ पे की गई थी, पिछले कल की वीडियो में भी, अर्थशास्त्र के लेखक जो थे उनका नाम क्या था? ऑप्शन दिए गए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, मैक्सथनीज,
कौटिल्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अर्थशास्त्र जो है वो लिखा गया है कौटिल्य के द्वारा, ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद साइंस के क्वेश्चन जो है वो आपके यहाँ पे स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 से लेके 30 तक आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन रहेंगे। बेसिक से आपसे क्वेश्चन यहाँ पे रहते हैं। मैं यहाँ पे आपको साइंस को हल्का सा बायलैंगुअल करने की ट्राई करूंगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। 16 है पोषण के कितने चरण होते हैं। तो पोषण के टोटल कितने चरण यहाँ पे रहते हैं ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, 5, 4, 3 या फिर 2। तो पोषण के कितने चरण जो हैं वो टोटल रहते हैं, इसका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो है 2। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी डिजीज यहाँ पे होती है, बेरी, रिकेटस, रतौंधी या फिर सकर्बी। काफी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे। तो विटामिन सी की कमी से जो है वो यहाँ पे सकर्बी नामक रोग जो है वो यहाँ पे होता है, जिसमें त्वचा जो है या फिर होंठ जो है वो फट जाते हैं। ये सकर्बी के कुछ उसके लक्षण रहते हैं, साथ में मसूड़ों से जो है वो खून निकलना भी स्टार्ट हो जाता है। उसके क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी या फिर विटामिन बी। तो सूर्य के प्रकाश से जो है वो विटामिन डी जो है वो हम सभी यहाँ पे प्राप्त करते हैं। और विटामिन डी की बात करें तो रिकेटस नामक बीमारी जो है वो विटामिन डी से यहाँ पर होती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है। मतलब कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें क्लाउड जो है वो क्या करते हैं, फ्लोट कर जाते हैं। तो फ्लोट क्यों करते हैं, वो तैरते क्यों हैं, तो उसका क्या कारण है, घनत्व मतलब कि डेंसिटी, भार जिसको हम वेट बोलते हैं, दाब का मतलब है प्रेशर और ताप का मतलब है टेम्परेचर। तो कौन से ऐसे फैक्टर रहते हैं जिसके थ्रू जो है वो बादल जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में तैर जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, घनत्व या फिर डेंसिटी। कोई भी चीज हमारी सिंक करती है, फ्लोट करती है मतलब कि डूबती है या फिर तैरती है, वो उसके भार के ऊपर डिपेंड नहीं करती। फिजिक्स के अकॉर्डिंग वो जो है या फिर साइंस के अकॉर्डिंग वो वस्तु जो है वो घनत्व या फिर डेंसिटी के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, विद्युत धारा है मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको क्या कहा जाता है। न्यूट्रॉन का बहना मतलब कि फ्लो ऑफ न्यूट्रॉन, आवेश के बहने की दर मतलब कि चार्ज जो है वो किस रेट से फ्लो करता है, प्रोटॉन का बहना मतलब कि प्रोटॉन का फ्लो करना और लास्ट इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो विद्युत धारा क्या है, करंट क्या है, ये आप सभी को पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक करंट को हम क्या बोलते हैं। तो चार्ज पर यूनिट टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक करंट की यहाँ पे इसका फॉर्मूला रहता है, इलेक्ट्रिक करंट का चार्ज पर यूनिट टाइम मतलब कि कितना चार्ज जो है वो कितने टाइम में फ्लोट कर रहा। तो ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, लोहा कैसे बनता है। तो उसको पीट पीट के बनाते हैं, कोक धोकर बनाते हैं या फिर कोक के साथ रिएक्शन कराते हैं उसका या फिर इनमें से कोई नहीं, मतलब कोक के साथ उसको जलाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है वो रहेगा कोक के साथ प्रगलन से। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, कौन सा शरीर का बाह्य अंग है मतलब कि आउटर पार्ट है, कौन सा शरीर का आउटर पार्ट है, लीवर, स्किन, त्वचा, किडनी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इजी सा आंसर सामने दिया गया है, स्किन। इसको जो है वो हम टच कर सकते हैं, तो ये हमारे शरीर का बाहरी अंग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 की यहाँ पे बात करते हैं, मनुष्य के मुंह में टोटल कितने दांत होते हैं। तो आई थिंक आप सभी को पता होगा 32 दांत होते हैं। और इसी से मैं क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा कि कितने ऐसे दांत हैं जो दूसरी बार जो है वो निकलते हैं। तो टोटल जो है वो 20 दांत ऐसे हैं जो हमारे कितनी बार आते हैं, दो बार जो है वो दांत जो है वो वापिस आते हैं। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है, सुपरसोनिक यानों की गति ध्वनि से कैसी होती है, कम, अधिक, बराबर या फिर इनमें से कोई नहीं। जो सुपरसोनिक
हमारे विमान रहते हैं जो हमारे सुपरसोनिक वेव को प्रोड्यूस करते हैं हवाई जहाज, तो उनकी जो गति है वो ध्वनि से कैसी होती है, साउंड की गति से, साउंड की स्पीड से कम होती है या फिर ज़्यादा? तो साउंड की स्पीड आप सभी को पता है 0 डिग्री सेल्सियस पे 332 या फिर 330 के अराउंड हम उसको काउंट करते हैं। 330 मीटर पर सेकेंड जो है वो स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पे रहती है। ध्यान में आपको रखना है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड जो है ये है किसकी गति, ये लाइट की गति है, और 330 मीटर पर सेकेंड जो है ये है साउंड की गति। ये दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान में रखना है। तो ध्वनि की गति या साउंड की गति 330 है, और जब इससे ज़्यादा कोई चीज़ स्पीड से जाती है तो उसको सुपरसोनिक कहते हैं, मतलब इससे ज़्यादा जानी चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम किसकी परिभाषा को व्यक्त करता है, कि न्यूटन का जो पहला लॉ है वो किस चीज़ को प्रूफ करता है? बल मतलब कि फोर्स, जड़त्व मतलब कि इनर्शिया, त्वरण मतलब कि एक्सेलेशन, और ऊर्जा मतलब कि एनर्जी। तो क्वेश्चन आपके सामने यहां पर दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है जड़त्व। ऑप्शन बी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। आयरन या फिर लोहे का अयस्क है, तो आप सभी को पता होना चाहिए मैग्नेटाइट जो है या फिर हेमेटाइट जो है ये किसका अयस्क है, लोहे का अयस्क है। ऑप्शन ए जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर यहां पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। जल का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? जब हम पानी को सॉलिड फॉर्म में चेंज कर देते हैं तो उस फॉर्मेशन को या उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है फ्रीजिंग करना, और फ्रीजिंग को हिंदी में कहते हैं हिमांक। तो ऑप्शन सी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। अक्रिय गैस की खोज किसने की? अक्रिय गैस का मतलब है नोबल गैस। तो नोबल गैस की खोज किसके द्वारा की गई है? बैकुरल, विलियम रैमजे, लॉर्ड स्टेन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो रैमजे के द्वारा, ऑप्शन बी, विलियम रैमजे ने जो है वो नोबल गैस की यहां पे डिस्कवरी की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपकी साइंस का रहेगा। हीमोग्लोबिन किसमें पाया जाता है? तो आप सभी को पता है ह्यूमन में, मनुष्य में जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और उसी हीमोग्लोबिन की वजह से जो है वो हमारे खून का रंग जो है वो कैसा दिखता है, वो लाल रंग का दिखता है, रेड कलर दिखता है। और हमारे हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है, तो वो धातु पाई जाती है कौन सी, लोहा। ये आपको ध्यान में रखना। और क्लोरोफिल के कारण पत्तों का हरा रंग यहाँ पर रहता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20-30 की बात करते हैं। रक्त कितने प्रकार का होता है? तो रक्त जो है वो टोटल 4 टाइप का रहता है, ये आप सभी को पता है। खून जो है उसके 4 टाइप हैं। सबसे पहला आता है ए, उसके बाद है बी, उसके बाद है ए बी, और लास्ट आता है ओ। आगे इसके सब पार्ट हैं, कुछ नेगेटिव में कुछ पॉजिटिव में चलते हैं। बेसिकली खून जो है वो इतने ही टाइप का है, 4 टाइप का। और अगर इसमें मैं बात करूं, जो एक ऐसा ब्लड ग्रुप जो सबसे ले सकता है, सबसे एक्सेप्ट कर सकता है, वो है अब आपका ए बी, और जो सबको डोनेट कर सकता है वो है आपका ग्रुप ओ। सो ये जनरल साइंस के क्वेश्चन यहाँ पर हो गए। आगे जो है वो मैथ के सेक्शन की बात करते हैं, मैथ और रीजनिंग के सेक्शन की यहाँ पे बात करेंगे। सो यहाँ पर जो आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31 की यहाँ पे मैं बात करूंगा। 18, 24 और 72 का आपको क्या निकालना है? LSP मतलब कि एलसीएम आपको कैलकुलेट करना है। मैं यहाँ पे साथ साथ में क्वेश्चन को करूँगा। 18, उसके बाद है 24 और उसके बाद है 72। तो 18, 24, 72 का आपको क्या निकालना है एलसीएम? सबसे पहले आप इसको 2 से कर सकते हैं, 2 से जाएगा 9 बार, ये जाएगा आपका 12 बार, और ये जाएगा 36 बार। उसके बाद फिर से आप 2 से करें, तो ये 9 तो नहीं जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा। उसके बाद डायरेक्ट आप 3 से भी कर सकते हैं, मैं 3 से काट रहा हूँ, ये आएगा 3, ये आएगा 2, और ये आ जाएगा आपके पास 6। उसके बाद 3 से जाएगा 1, 2,
और दो, और लास्ट में दो से जाएगा तो एक आएगा। तो आप सभी को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो क्या आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा 3 और 2 6, ये 18, ये आएगा 36 और ये आएगा 72। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आपको बताया गया है कि आपको यहाँ पे सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न जो है वो आपको यहाँ पर बतानी है, क्या उसका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है 2/3, उसके बाद है 3/7, उसके बाद है 4/5, और उसके बाद है 5/8। ये क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। छोटी या बड़ी भिन्न को पता करने के लिए सबसे सिंपल सा रूल है, सबको आप 10 से मल्टीप्लाई करें। तो ये मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आप निकालें, इसको जब मैं काटूंगा तो 6 point something कुछ वैल्यू आएगी, इसको काटने से 4 point something कुछ वैल्यू आएगी, ये पूरा का पूरा कट जाएगा 8 times, और ये 8 से जब मैं इसको काटूंगा तो ये 6 point something कुछ वैल्यू यहाँ पे बनेगी। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई, 8, और 8 किससे मिलके बनी है, 4/5 से। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे आपके सामने रहेगा। 4/5 जो है वो बिल्कुल राइट आंसर आपके सामने यहाँ पर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। साथ साथ में आप करते रहें सॉल्व क्वेश्चन को। आपके पास दिया गया है 33 क्वेश्चन। ए बी की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 5 है, तो आपको बोला है ए प्लस बी आपको कैलकुलेट करना है। तो जल्दबाजी में आंसर ना निकालें, 10 और 5 15 इसका आंसर नहीं होगा, ये आप ध्यान में रखें। ए और बी की वैल्यू दी गई है 10। अब ए और बी का मतलब है ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये दिया गया है 10, और इस वी की वैल्यू जो है वो आपके पास दी गई है कितनी, 5। तो आप इस बी की जगह जो है वो क्या भरेंगे, आप इस बी की जगह भरेंगे 5, और फिर ये 5 मल्टीप्लाई से हटके जब दूसरी तरफ जाएगा तो आपके पास बनेगा 10/5, और ये ए की वैल्यू आ जाएगी 2। अब आप निकालेंगे ए प्लस बी, ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 5 है, तो 5 और 2 आंसर कितना आ गया, 7। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जल्दबाजी में आप आंसर ना निकालें। राइट आंसर जो है वो इसका रहेगा यहाँ पर 7। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो सारे ही मैंने मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए हैं। क्वेश्चन नंबर 34 आपके सामने है। किसी चीज़ को 200 रुपये में खरीदा जाता है, मतलब कि सीपी जो है वो आपकी 200 है, और एसपी बेचा कितने में गया, 198 में, तो कितने रुपए का लॉस हुआ, 2 रुपए का लॉस, किसके ऊपर, 200 के ऊपर, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 20 से 20, 2 से 2 कट गया, तो राइट आंसर आ गया 1, 1% की हानि होगी। तो ऑप्शन सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सो अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 काफी इजी क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है स्क्वायर का। आप इसमें फॉर्मूले का यूज भी कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो डायरेक्ट आप 101 का स्क्वायर निकालें और फिर 100 का स्क्वायर जो है वो उसमें से कम कर दें, तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो है आपका राइट आंसर 201। अगर इस क्वेश्चन को मैं फॉर्मूले से अगर मैं करूँगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला रहता है ए प्लस बी और साथ में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी जो है वो 101 और 100 हमारा 201, 201 को ऐसे 1 से गुणा करेंगे तो 201 हमारा जो है वो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। यहाँ पे 4 दिया गया है, 16, 36, 64 और 100। काफ़ी इजी है, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर है, 36 6 का स्क्वायर है, 64 8 का स्क्वायर है, और 100 10 का स्क्वायर है। तो स्क्वायर का पैटर्न चला है 2, 4, 6, 8, 10, तो अगला किसका स्क्वायर आएगा, 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर आएगा 144। ऑप्शन डी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। 0.0036 का अंडर रूट आपको बताना है, 0.0036।
सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, ये आपके पास वैल्यू बनेगी 36 अपॉन नीचे आएंगी टोटल 4 जीरो, और उसके बाद आप अंडर रूट लगाएंगे, 36 का अंडर रूट रहता है 6, और इस 10,000 का अंडर रूट रहेगा कितना 100, तो वैल्यू आपके पास बनेगी 0.06, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पर दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, एसआई के चैप्टर से क्वेश्चन ये दिया गया है, साधारण ब्याज आपको 80 दिया गया है, रेट आर की वैल्यू 5% और टाइम है 5 साल, राशि आपसे पूछी है, मतलब कि प्रिंसिपल आपसे पूछा है, तो फॉर्मूला आपको पता है, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, एसआई की वैल्यू दी गई है 80, पी आपको निकालना है, रेट है 5%, टाइम है 5 साल और नीचे आएगा 100, ये 100 आपका ऊपर चला जाएगा, तो ये आपके पास बन गया 80 × 100, और ये 5 और 5 जो हैं यह जाएंगे नीचे, तो 5 × 5, 5 को 5 × 25, 25 से कट जाएगा 4 बार, और 8 को 4 से करेंगे तो 32, 320 जो है वो आपकी राशि वहां पे रहेगी, तो ऑप्शन डी जो है वो इसका बिल्कुल राइट आंसर यहां पर रहेगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है, साथ साथ में आप क्वेश्चन को करते रहें, चेक करें कि क्या आपका इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर जो आपका 39 है उसमें आप फॉर्मूले का यूज करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यूज किया जाएगा। 39th क्वेश्चन जो है उसमें x plus 1 upon x दिया गया है, इसका आप होल स्क्वायर करें और इक्वल टू 2 का भी आपका स्क्वायर होगा, तो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b और इक्वल टू 4 है, ये x से x कट जाएगा तो यहाँ पे बचा सिर्फ 2, ये वैल्यू आपको यहाँ से निकालनी है, तो इस 2 को आप हटा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 4 में से 2 चला जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 40 जो है ये फिर से एसआई का ही क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, तो आप इसको खुद यहाँ पे ट्राई करें, इसका जो राइट आंसर है आपका वो 2500 आपका आना चाहिए, खुद आप ट्राई करें। एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये उस फॉर्मूले से यहाँ से इजीली यहाँ पे बनेगा क्वेश्चन ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, एक दुकानदार 10 रुपये की 11 पेंसिल खरीदता है और 11 रुपये में 10 पेंसिल बेच देता है, तो आपको लाभ प्रतिशत बताना है, तो हम इस चीज़ को कैसे लिखते हैं, 10 रुपये की जो है वो 11 पेंसिलें खरीदता है और 11 जो है वो 10 में 11 रुपये की 10 पेंसिलें बेच देता है, तो क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पे करते हैं, तो ये बनेगा आपके पास 100 और 11 को 11 से करेंगे 121, मतलब कि 100 आपकी सीपी है और 121 आपका एसपी है, तो 100 रुपये की चीज़ को जब आप 121 में बेचेंगे तो 21 रुपये का फ़ायदा है सीपी के ऊपर, 100 के ऊपर, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100, 100 से 100 कट गया, तो राइट आंसर आपका आएगा 21%, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपके सामने यहां पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं, यहां पे एक्स की वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये 3 आपका उस तरफ जाएगा, 7 में से 3 चले गए तो 4, ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 2 से 4 को काटेंगे तो 2 आपका यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, 2 संख्याओं का योग 65 है और उनका अनुपात 6 और 7 है, तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे साथ में ट्राई करते हैं, रेशियो से बोल सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, या फिर नंबर सिस्टम से आपका ये क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। सो 2 संख्याएं हैं उनको जोड़ के आता है 65, अनुपात दिया गया है 6 और 7, जब मैं इन रेशियो को ऐड करता हूँ तो मेरे पास बनता है 13x और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनता है 65, तो x की वैल्यू आ जाएगी 65/13, तो ये कट के आ जाएगा 5, तो इस रेशियो को यहाँ पे मल्टीप्लाई करें आप, 6 × 5 आएगा 30 और 7 × 5 जो है वो आपके पास आएगा 35, तो 30, 35 जो है वो आपका राइट ऑप्शन सी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, इजी है, 4 की वैल्यू है 1/2, इसका मतलब है 4 के ऊपर अंडर रूट लगा है,
तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। आपको ध्यान में रखना है 1/2 का पावर, जब 1/2 पावर होती है तो इसका मतलब होता है अंडर रूट को लगाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आपके सामने है। यहाँ पर 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है और 150 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय वो लेगी। तो फॉर्मूला आपका रहता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म या पुल, कुछ भी आप लिख सकते हैं, और अपॉन में टाइम टी। तो स्पीड आपके पास दी गई है यहाँ पे 60, ये इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो मीटर में जाने के लिए आप डिवाइड करेंगे 5/18 से। उसके बाद यहाँ पे 150 मीटर जो है वो लंबी रेलगाड़ी है और 150 मीटर ही लंबा पुल है और नीचे आ जाएगा आपके पास टाइम टी। अब आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है यहाँ पे, तो टी जो है वो उस तरफ चला जाएगा और यहाँ पे बनेगा 300, उसके बाद 18 जाएगा नीचे से ऊपर और 60 और 5 जो हैं ये आ जाएंगे नीचे। तो 10 से 10, 6 से 30 कटेगा 5 बार, 5 से 5 कट गया, तो टाइम कितना आ जाएगा 18 सेकंड, जो कि ऑप्शन सी में आपके सामने यहाँ पर रहेगा। उसके बाद रीजनिंग का जो है आपका सेक्शन है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन 46 जो है यहाँ पे आपको फिलिंग करनी है। यहाँ पे कोई ना कोई एक पैटर्न आपका बनता है, तो जब मैं ऑप्शन सी को यहाँ पे भरूंगा, सी, उसके बाद है बी, उसके बाद है ए और है बी, तो जब आप यहाँ पे देखेंगे ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, तो पैटर्न आपका यहाँ पे बनना चाहिए। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। 47 की बात करते हैं, 15 जून 2015 को शनिवार था, तो 15 जून 2016 को कौन सा दिन होगा। तो जब आप लीप ईयर को आगे जाते हैं, 2016 आपका लीप ईयर है, तो ध्यान में रखना है 2 दिन आपको आगे जाना है। तो शनिवार से जब आप 2 दिन आगे जाएंगे तो सोमवार जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, सीरीज से क्वेश्चन है ये, अल्फाबेट सीरीज से। तो पैटर्न क्या है, ए बी सी डी, तो अगला आ जाएगा आपका ई, फिर इसका बी सी डी ई, तो यहाँ पे आ जाएगा एफ, और आगे पैटर्न आपके पास बना है फिर से सी डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या आएगा जी। आपको ध्यान में रखना है फर्स्ट अल्फाबेट को फर्स्ट के साथ कंपेयर करना है, सेकंड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे ई एफ जी, ई एफ जी, ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 49 की, तो एनालॉजी से क्वेश्चन है, कुत्ते को रेबीज बोला गया है, मतलब कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है, तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होगी, तो वो है मलेरिया, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस मॉक टेस्ट का, क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश को कुछ एक वर्ड दिया गया है, तो ये जो इंग्लिश है ये लास्ट से लिखी गई है, ई यहाँ पे लिखा है, फिर एन, उसके बाद है जी, फिर है एल, फिर है आई, फिर है एस और लास्ट में है एच, मतलब अपोजिट लिखा गया है। तो वैसे ही आपको जो हिंदी यहाँ पे लिखा गया है उसको अपोजिट लिखना है, मतलब कि आई को सबसे पहले, फिर डी, फिर एन, फिर आई और लास्ट में एच। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे बन रहा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आई होप आपको आज का जो मॉक टेस्ट मैंने अभी आपको कराया है वो आपको सारा का सारा क्लियर है, और आई थिंक आपने 40+ क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पे बिल्कुल सही किए हैं। अगर 40+ क्वेश्चन आपने एक्यूरेट किए हैं तो आप ये समझ लें कि वर्दी जो है वो जल्दी ही आपको मिलने वाली है। विजयपथ एजुकेशन के साथ आप जुड़े रहें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करेंगे। मिलेंगे जल्दी ही नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।